आज हम आलू मूंगफली चाट बनाएंगे। आप इसे व्रत में बना सकते हैं। व्रत में जब आपको हल्की भूख लगे तब आप इसे बना सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रीति प्रीति सैफ्रॉन में आपका स्वागत करती हूँ। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम देखते हैं कि आलू मूंगफली चाट कैसे बनाते हैं। फलाहारी आलू मूंगफली चाट बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच मैंने मूंगफली को लिया है। अब इनको हम रोस्ट करेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें मूंगफली को डाल देंगे और इसको हम रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। मूंगफली हमारी रोस्ट हो गई है, खुशबू भी आने लगी है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा करके छिलके उतार लेंगे और फिर मिक्सी के जार में हम दरदरा पीस लेंगे। ये मैंने 4 बॉइल आलू लिए हैं। अब इनको हम छील लेंगे और छील कर फिर हम टुकड़ों में काट लेंगे। आलू को मैंने टुकड़ों में काट लिया है। अब इनको हम फ्राई करेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। क्योंकि हम व्रत का बना रहे हैं इसलिए हम देसी घी यूज करेंगे। अब घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम आलू को डाल देंगे और आलूओं को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आलू हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इनको हम एक बॉल में निकाल लेंगे। हमने आलू को एक बॉल में निकाल लिया है। अब हम इस मूंगफली को डाल देंगे जो हमने मिक्सी में दरदरा पीस लिया था। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 3/4 चम्मच हम नमक डाल देंगे और 2 चम्मच हम नींबू डाल देंगे, नींबू का रस। और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। व्रत में हमने सेंधा नमक का यूज किया है क्योंकि व्रत में सेंधा नमक खाते हैं। यदि आप वैसे बनाएं तो आप रेगुलर नमक भी यूज कर सकते हैं। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी आलू मूंगफली चाट सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। फलाहारी आलू मूंगफली चाट बनके तैयार है। आप इसे दही या हरे धनिया की चटनी के साथ भी व्रत में सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।